प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के जमुई में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति को किया लॉन्च। देश भर में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है गुरु नानक जयंती का पर्व। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और प्रदेश में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने किया पुण्य स्नान, कई स्थानों पर मेले का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अमृता शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेडलाइंस के बाद आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के जमुई में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर हर साल 15 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों के विकास के लिए 6,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनजातीय समुदायों का उत्थान और ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। श्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और समृद्ध आदिवासी विरासत और संस्कृति पर आधार एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने जनजातीय समाज के लोगों को बिरसा मुंडा की जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हमें जनजातीय गौरव दिवस मनाने की आवश्यकता इसलिए हो रही है क्योंकि आदिवासियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा था। जन्म जयंती के उत्सव शुरू हो रहे हैं। ये कार्यक्रम अगले एक साल तक चलेगा। मुझे खुशी है कि आज देश के सैकड़ों जिलों के करीब 1 करोड़ लोग, जरा जुमई के लोग गर्व करिए, ये जमुई के लोगों के लिए गर्व का दिन है। आज देश के 1 करोड़ लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, जमुई से जुड़े हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। अभी मुझे यहां भगवान बिरसा मुंडा के वंशज श्री बुधराम मुंडा जी का भी स्वागत सत्कार करने का सौभाग्य मिला है। सिद्धो कान्हो जी के वंशज श्री मंडल मुर्मू जी का भी मुझे कुछ दिन पहले ही सत्कार करने का सौभाग्य मिला था। उनकी उपस्थिति से इस आयोजन की शोभा और बढ़ गई है। साथियों, धरती आबा बिरसा मुंडा के इस भव्य स्मरण के बीच आज 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र है। प्रधानमंत्री जमुई से वर्चुअल माध्यम से पीएम जनमन अभियान के अंतर्गत बनाए गए 11,000 घरों के गृह प्रवेश में भी शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा के वंशज बुधराम मुंडा और शहीद सिद्धो कान्हू के परिवार के सदस्य मंडल मुर्मू को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 को लॉन्च किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इस नई नीति को रोजगार परक और विजन 2047 के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए विकसित छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई उद्योग 1,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देता है तो हम उसे बी स्पोक पॉलिसी के तहत और ज्यादा रियायतें दें। आज छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति वर्ष 2024
30 का हम लोग आज विमोचन किए हैं। इस उद्योग नीति में हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति की उद्यमियों का भी ख्याल किए हैं, जो नक्सल पीड़ित हैं, जो दिव्यांग हैं, जो हमारे अग्निवीर के लोग हैं उनका भी ख्याल किए हैं, और सिंगल विंडो सिस्टम भी है ताकि उद्यमियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो इस तरह से कई मानों में हमारा जो आज का उद्योग नीति जो लॉन्च किए हैं बहुत अनूठा है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति को राज्य में इसी महीने की 1 तारीख से लागू किया गया है। यह नीति उद्योगों को निवेश करने, नए रोजगार सृजन करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगी। देश भर में आज गुरु नानक जयंती का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गुरु नानक देव जी ने लोगों को आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी के आदर्शों को अपनाना और एक सामंजस्यपूर्ण और समाज समतावादी समाज का निर्माण करना लोगों का सामूहिक दायित्व है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोगों से गुरु नानक देव जी के शाश्वत ज्ञान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से सत्य, सद्भाव और सभी प्राणियों की एकता के सिद्धांतों के प्रति समर्पित होने का आग्रह किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं लोगों को करुणा, दया और विनम्रता की भावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगी। उन्होंने लोगों को समाज की सेवा करने और पृथ्वी को बेहतर बनाने के लिए भी प्रेरित करने की कामना की है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है, कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो, अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और अब आपको बता दें कि आज कार्तिक पूर्णिमा है। प्रदेश में आज सुबह से ही नदी और तालाबों में श्रद्धालु पुण्य स्नान के लिए जुट रहे हैं। इस अवसर पर कई स्थानों में मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी के महामरा तट पर भी इस दौरान पुण्य मेले का आयोजन किया गया, जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से श्रद्धा भाव के साथ पहुंचे और नदी में डुबकी लगाई। इस दौरान लोगों ने सूर्य को अर्घ्य दिया और खुशहाली की कामना लेकर दीप दान भी किया। मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का पौराणिक महत्व है और सुख समृद्धि की कामना के साथ लोग नदियों पर पुण्य स्नान करने दूर दूर से पहुंचते हैं और दीप दान करते हैं। एक महीना नहाया जाता है, उसके बाद पूर्णिमा के दिन दीप दान किया जाता है घाट पर आके। इसका विशेष धार्मिक पर्व है जो आज कर रहे हैं लोग। आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन दिन है। आज सब लोग हमारे सनातन धर्म में सब हिंदू लोग जो है आज स्नान करते हैं पवित्र सरोवर में, नदी में। आज के दिन का बहुत ही महत्व है। आज के दिन अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए लोग कामना करते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए, ये भगवान से कामना करते हैं। मैं पूरे कार्तिक महीने में पूरा स्नान की हूँ कार्तिक महीने में, और आज यहाँ शिवनाथ नदी में दीप दान करने के लिए आई हूँ। हम अपनी सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना, घर परिवार सब सुख संपत्ति से रहे। सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, शंकर जी की पूजा की जाती है। कार्तिक मास शंकर जी के लिए भी बहुत अच्छा है। वहीं राजनांदगांव जिले के मोहारा में श्रद्धालुओं ने स्नान और दीप दान कर भगवान शिव शंकर की विधि विधान से पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शिवनाथ नदी के तट पर खास रौनक देखी गई। श्रद्धालुओं ने कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के दिन दीप दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। राजनांदगांव नगर निगम द्वारा 3 दिवसीय मेले का भी आयोजन किया गया है।
बार लाखों दिए प्रज्वलित किए गए उनके मेला के अवसर पर। कार्तिक महीने में दीप प्रज्वलन का भगवान विष्णु के लिए विशेष अवसर रहता है, जहाँ पे दीप दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती, स्वर्ग की प्राप्ति होती, बैकुंठ की प्राप्ति होती है। आज कार्तिक पूर्णिमा है और हम सब यहाँ पे हर वर्ष आते हैं और घाट पे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और आज के दिन दीप दान का और दान का बहुत ही महत्व है और हम सब यहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं और आज माता गंगा की पूजा की जाती है। आज के दिन को बहुत बड़ा दिन है, आज कार्तिक पूर्णिमा है, आज के दिन देव दिवाली मनाते हैं, काशी विश्वनाथ में आज के दिन दीपावली का पर्व मनाते हैं। इस अवसर पर पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और इसी तरह किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए नगर सेना के गोताखोरों की ड्यूटी भी लगाई गई। मोहरा नदी पर जो है गुरु पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नदी तट पर और मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं, जिसको देखते हुए पर्याप्त व्यवस्था में सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, जिसके अंतर्गत एक तो फिक्स पॉइंट लगाए गए हैं, पेट्रोलिंग लगाई गई है और नदी तट पर गोताखोर लगाए गए हैं, इसके अलावा बड़े पैमाने पर ट्रैफिक व्यवस्था लगाई गई है और सभी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। गौरतलब है कि कार्तिक पूर्णिमा का पर्व कार्तिक शुक्ल की पुण्यम तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन को छत्तीसगढ़ में पुन्नी मेला के नाम से भी जाना जाता है। देश संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आपको बता दें भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो कि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। 26 नवंबर को देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में आकांक्षी जिला कोरबा के लॉ कॉलेज में संविधान के वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कॉलेज के प्राचार्य डॉ किरण चौहान ने बताया कि भारत का संविधान हमें समानता का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि समय के साथ कानून में परिवर्तन होना समाज की आवाज होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टाइम से चल रहे थे, तो जैसे परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है, वैसे ही कानून में भी परिवर्तन होना समाज की और जनता की आवाज होती है। इसलिए अभी वर्तमान में BNS और BNSS में परिवर्तन किया गया है, जो सिर्फ भारतीयों के ऊपर लागू होता है। संविधान हमें एक नागरिक के तौर पर अपने राइट्स और ड्यूटीज़ का ज्ञान दिलाता है। यह हमें न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा के साथ जीना सिखाता है। हमारे देश का संविधान लिखित रूप में सबसे बड़ा संविधान है और ये फ्लेक्सिबल भी है। संविधान हमें यह याद दिलाता है कि हम अपने देश को कैसे बेहतर बना सकते हैं। गौरतलब है कि संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।